हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश, आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज का है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है महानदी, चंबल, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, ताप्ती, नर्मदा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? ऑप्शन है गावनी, कावेरी, हेमवती, पालार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कावेरी। मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है, जहां एक जलाशय का भी निर्माण किया गया है। इस जलाशय से कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है रावी, झेलम, व्यास, सतलज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, व्यास। पोंग बांध का निर्माण हिमाचल प्रदेश राज्य में व्यास नदी पर किया गया है। इसका ऊंचाई कितना है? 133 मीटर है, जो कि 436 फीट होता है। यह बांध हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर पोंग बांध का निर्माण हुआ है? ऑप्शन है गंगा, ताप्ती, यमुना और ब्यास। इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहांद बांध किस राज्य में है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, उत्तर प्रदेश। रिहांद बांध जो सोन नदी के सहायक रिहांद नदी पर पिपरी गांव यानी सोनभद्र जनपद उत्तर प्रदेश के पास बनाया गया है। यह बांध 934 मीटर लंबा और 91 मीटर ऊंचा कंक्रीट से निर्मित है। इसके द्वारा जो है अवरुद्ध जल को गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय में संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व बैंक की सहायता से विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है या बनाई जा चुकी है? इसका ऑप्शन है अलकनंदा, ताप्ती और सतलज। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अलकनंदा। ये जो है भारत में विश्व बैंक की सहायता से विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकण जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बेलगांव, धारावाड़, रायचूर, बीदर। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बेलगांव। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में कृष्णा की सहायक गोकक नदी पर है। इसका ऊंचाई कितना है? 52 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कालाहंडी, कंधमाल, संबलपुर, सुंदरगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सुंदरगढ़। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। उड़ीसा के अन्य प्रमुख प्रपात वारे नहीं पानी, जोरांडा, बादा घाघरा और सन घाघरा है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये जो है उड़ीसा का अन्य प्रमुख प्रपात कौन कौन सा है? उड़ीसा का प्रमुख प्रपात जो है ये है बारे
बारेन ही पानी, और दूसरा है जो रांडा, तीसरा है बादा घाघरा, बादा घाघरा, और लास्ट है सन घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टेहरी डैम किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, मंदाकिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भागीरथी। टेहरी डैम भीलांगना तथा भागीरथी नदी के संगम पर बनाया गया है। यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, व्यास, रावी, अलकनंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा रावी। थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी, जो कि 1057 मीटर से होता है, और पूर्व से पश्चिम दिशा में रिफ्ट घाटी यानी दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह गुजरात के भरोच जिले के संभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। इसका सही आंसर है बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलूर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन है हेमावती कावेरी, याग्ची, तुंगभद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा याग्ची। ये जो है बेलूर कर्नाटक राज्य के हासन जिले में याग्ची नदी तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, गंडक, गोदावरी। इसका सही आंसर है ए, नर्मदा। नर्मदा इसका सही आंसर है। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर गुजरती हुई अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा के उत्तर के विंध्याचल पर्वतमाला तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है चिनाब, रावी, सतलज, झेलम। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, चिनाब। सतलज जो है जल विद्युत और सिंचाई परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित की गई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। यह हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश से लगभग 144 किलोमीटर दूर
नंदी कोंदा ग्राम के समीप स्थापित की गई है। यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा मेसोनरी बांध है। इसका ऊंचाई कितना है, इसका इस बांध की ऊंचाई कितना है, इस बांध की ऊंचाई है 124 मीटर, और इसमें लागत कितना, मतलब इसमें जो है जल का कितना है, मतलब कैपेसिटी 1,14,072 मिलियन क्यूबिक मीटर जलाशय का निर्माण करती है। इतना मिलियन क्यूबिक मीटर जल का निर्माण करती है, ठीक। यह परियोजना का उद्देश्य जो है सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिए है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा, और कोई सजेशन हो मेरे लिए तो बताइए, हम उसका समाधान करेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है और लाइव क्लास करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, और हम आपको एक डेट देंगे, उस दिन हम लोग लाइव क्लास में सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि नीचे हमें आंसर देना है। आंसर देके बताइए उसका आंसर क्या होगा। कावेरी नदी किसमें गिरती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जलमन रुमद, इसमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर होगा नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।